भाई आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। रोजमर्रा की जिंदगी में भविष्य की ओर देखते हुए बहुत चिंताएं लोगों को आती है, और अतीत की तरफ जब देखते हैं तो बहुत डिप्रेशन आते रहता है। करीब करीब अभी जो रिसेंट जो रिपोर्ट्स है, रिसेंट जो स्टडीज है, उसमें माना गया है कि कम से कम 10 से 25% लोगों को, जनरल आबादी के 10 से 25% लोगों को डिप्रेशन है, निराशा है। एक तो वो एक्सटर्नल सिचुएशन जो है, वातावरण जो है, वहाँ से प्रेशर, टेंशन या चिंता आने से डिप्रेशन आता है, या फिर दिमाग में केमिकल लोचा होता है और वहाँ से डिप्रेशन आता है, मतलब केमिकल इम्बैलेंस होता है और वहाँ से डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन में अक्सर जो लक्षण है वो है कि निराश या हताश होना, कोई काम करने का मन नहीं होना, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होना, कोई खुशी या समाधान या आनंद या इच्छा नहीं होना, नींद चली जाना, नींद नहीं आती है, भूख लगती नहीं है, सेक्स की इच्छा होती नहीं है, और मन बहुत ही हताश और उदास ऐसा रहता है। कभी रोना आता है बिना वजह, या कभी खुदकुशी करने की इच्छा होती है, या मन में वैसे विचार आते हैं। अब ये वातावरण में कुछ ऐसा हो गया तो इस तरह के विचार या इस तरह की बीमारी हो सकती है, जिसको रिएक्टिव डिप्रेशन बोलते हैं। और कुछ वातावरण में कुछ भी ना हो, अंदरून वैसा हो रहा है, क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस है, केमिकल्स जो है अंदर, रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, उससे डिप्रेशन आ सकता है, तो उसमें भी ये हो जाता है। दोनों भी डिप्रेशन जो है वो उसका इलाज है। एक तो मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है, एंटी डिप्रेशन देके, उसके साथ साथ हम यदि काउंसिलिंग करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, और हिप्नोथेरेपी, सम्मोहन उपचार करते हैं, NLP हिप्नोसिस करते हैं, तो वो डिप्रेशन जल्दी अच्छा हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अंदाज ऐसा है कि 15 से 21 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन में यह डिप्रेशन ठीक हो जाता है। आपके आजू बाजू में काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको डिप्रेशन या बीमारी होंगी, मगर वो डॉक्टर की तरफ जाते नहीं है। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी कम हो गई है डिप्रेशन की वजह से, उत्पादन क्षमता कम हो गई है, काम नहीं करते, घर में बैठे उदास हताश है, तो लोग ठीक हो जाएंगे और काम करना चालू करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा से लोगों को शेयर करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।